नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिपिटिशियस कंटेंट की जो पॉलिसी आई है YouTube की, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, YouTube की जो पॉलिसी आई है ये अभी नई नई पॉलिसी है। तो इसमें बताया गया है कि अगर यदि कोई आप क्रिएटर हैं और आप एक ही कंटेंट को रिपीट करते हैं तो उस केस में आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है और फिर आप पैसे कमाना बंद कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ मैप्स वगैरह लगा देते हैं, और वो मैप्स लगा देते हैं या वो गूगल से या इंटरनेट से इमेजेस ले लेते हैं और उनका स्लाइड शो कर देते हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, वो अपनी वॉइस में ओरिजिनल कमेंट्री नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे चैनल क्रिएटर्स जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो सिर्फ गूगल से या इंटरनेट से या किसी दूसरे की इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं, उसका एक स्लाइड शो बनाते हैं और जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, या जो कमेंट्री होती है वो ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेटेड जनरेटेड होती है, कंप्यूटर जनरेटेड होती है, खुद की उनकी ह्यूमन वॉइस में कमेंट्री नहीं होती है। तो ऐसे चैनल्स को जो यूट्यूब है वो अब डिमोनेटाइज कर देगा। बहुत सारे लोगों के चैनल डिमोटाइज हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो चैनल्स का लिंक दे दिया है, उनके चैनल डिमोटाइज हो चुके हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है पॉइंट, और अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूट्यूब ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एकदम मीनिंगलेस कंटेंट बनाते हैं, बिल्कुल नॉनसेंस कंटेंट बनाते हैं और जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है, वो जो भी करते हैं व्यू पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो उस तरह के जो चैनल्स होंगे उनको यूट्यूब अब डीमोनेटाइज कर देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यूट्यूब का हमेशा ही से ये कहना रहा है कि जो भी आप कंटेंट बनाएं वो इंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करे, यदि वह इंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो एजुकेशनल वैल्यू होना चाहिए, समाज में उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों को उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो में ओरिजिनल कमेंट्री करें, अपना फेस दिखाएं, फेस अगर नहीं दिखाते हैं तो कम से कम ह्यूमन वॉइस में, अपनी खुद की वॉइस में कमेंट्री आपको करनी है, जिससे उस वीडियो की वैल्यू बढ़ सके। यदि YouTube के एल्गोरिथम को लग गया कि आपका जो कंटेंट है वो सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बताता हूँ कौन सा वो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट YouTube ने शर्त लगाई है कि आपका जो कंटेंट होता है वो यूनिक होना चाहिए, वो लोगों का जो कंटेंट होता है उससे हटके होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए, उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, उससे कुछ उपयोग होना चाहिए। यदि वह उपयोगी नहीं है तो उस केस में भी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि यूट्यूब ने बताया है कि बहुत से लोग यूट्यूब बताता है यूट्यूब बोलता है कि हमने पता लगाया है कि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो थर्ड पार्टी का कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसे टिकटॉक वीडियोस, वीगो वीडियोस, इनके बहुत सारे वीडियो, 4-5 वीडियो, 8-10 वीडियो को मर्ज कर देते हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ चेंज कर देते हैं, स्पीड कुछ आगे पीछे कर देते हैं, घटा बढ़ा देते हैं, और वो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और वो इस तरह पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube ने कहा है कि आपके चैनल पर जो भी कंटेंट होना चाहिए वो कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए। और YouTube ने कहा है कि सिर्फ एक कंडीशन पे हम आपको छूट दे सकते हैं कि आप थर्ड पार्टी का कंटेंट यूज़ कर लें, जब जब आपको ओरिजिनल कमेंट्री करनी है और इस तरह से कमेंट्री करनी है कि उस वीडियो का कुछ उपयोग हो, कुछ समाज में उसका फायदा हो। ठीक है, तो YouTube साफ साफ कहता है कि पहली बात तो आपको है कि थर्ड पार्टी का कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है, वो वीडियो जो किसी दूसरे के हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी पब्लिश हैं, जैसे फेसबुक पर पब्लिश हैं या कोई दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पर हैं या ट्विटर पर हैं, वहाँ के वीडियो आपने अपने चैनल पर डाल दिए तो उस केस में भी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यूट्यूब कहता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने सारे वीडियो एक ही तरह बनाते हैं,
आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पेटीएम कैश पे बनाते हैं, तो सारे वीडियो एक ही तरह लगते हैं कि इस तरह से पेटीएम कैश कमा लो, उस तरह से पेटीएम कैश कमा लो। तो यूट्यूब कहता है कि आपके सारे वीडियो एक जैसे नहीं होने चाहिए, और जो व्यूअर है उसको ये पता होना चाहिए, साफ साफ उसको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में और दूसरे वीडियो में काफ़ी अंतर है। तो आपके ज़्यादा वीडियो, 8-10 वीडियो या 30-40 वीडियो यदि एक तरह हो जाते हैं और यूट्यूब का जो सिस्टम है वो उसको पकड़ लेता है, तो उस केस में भी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो यूट्यूब कहता है कि आपके व्यूवर को स्पष्ट रूप से मालूम पड़े कि एक वीडियो का दूसरे वीडियो से क्या अंतर है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसमें होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो चैनल के लिंक दे दिए हैं, उनके चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं, आप जाकर देखेंगे तो एक मैप वाला चैनल है, एक दूसरा चैनल है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग सिर्फ स्लाइड शो करते थे और वो लोग कमेंट्री नहीं करते थे, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते थे, तो उनका चैनल डिमोटाइज हो गया, वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको बताते हैं। तो यूट्यूब कहता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका चैनल भी डिमोटाइज हो जाएगा। और दोस्तों, यूट्यूब ने अब एक नई पॉलिसी निकाली है कि आप किसी दूसरे का कंटेंट लिखा हुआ, फिर चाहे वो किसी वेबसाइट का है, उसको आप अपने चैनल पर पढ़ नहीं सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं पर उसको स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो YouTube कहता है कि किसी और का कंटेंट जो आपका नहीं है उसको आप अपने स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हो। बहुत से लोग होते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, अखबार की कटिंग को अपने स्क्रीन पर दिखा देते हैं, या किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और उसको पढ़ा देते हैं। तो YouTube कहता है कि अब उस तरह के कंटेंट जो आपका नहीं है उसको आप स्क्रीन पर दिखाते हो, तो उस केस में भी हम आपका चैनल डिमोटाइज कर देंगे। उसको आप बोल के सुना सकते हो, बोल के पढ़ा सकते हो, तो वो ओके रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें यूट्यूब कहता है कि एक टॉपिक पर आप एक ही वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पे बार बार वीडियो मत बनाइए, ठीक है। तो पहली जो यूट्यूब ने शर्त लगाई हुई है कि एक टॉपिक पर आप एक ही वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर बार बार वीडियो नहीं मत बनाइए, और वही सेम कंटेंट आप बार बार बनाएंगे, वही सेम फोटो दिखा रहे हैं, सेम कंटेंट बना रहे हैं, या सेम चीज़ों को आपने रिपीट किया है, बोला है, तो उस केस में भी आपको डिमोटाइजेशन लग सकता है और आपका जो जो एड्स हैं आपके बंद हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब ने बताया है कि आप एक ही टॉपिक पर दूसरा वीडियो बना सकते हैं केवल उस केस में जब दोनों के कंटेंट में बहुत ज़्यादा अंतर हो। पहले वीडियो का कंटेंट बिल्कुल हटके होना चाहिए और दूसरे वीडियो का कंटेंट बिल्कुल हटके होना चाहिए। यदि ऐसा हो पाता है तो आप एक टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं, हर वीडियो में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, यूट्यूब कहता है कि आपका जो कंटेंट है बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, जो व्यूअर है, विजिटर है, उसको देख के ऐसा कंटेंट ना हो कि वो देख के बोर हो जाए या वो परेशान हो जाए, बार बार आप एक ही चीज़ बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो कंटेंट है बहुत ही यूनिक होना चाहिए और बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें आपकी ओरिजिनल कमेंट्री होना चाहिए, एडिटिंग अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि इंट्रो और आउट्रो जो होता है वो तो हमारा सेम होता है, तो क्या उस केस में यदि हमारे सभी वीडियो का इंट्रो और आउट्रो सिमिलर है, यानी कि सेम है, तो क्या उस केस में भी रिपीटिशियस कंटेंट की प्रॉब्लम आ सकती है? तो यूट्यूब कहता है कि नहीं, उस केस में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने साथ आपके चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, 200 250 जितने भी हैं, उसका इंट्रो और आउट्रो सेम हो सकता है, पर कुछ जो बीच का कंटेंट है, यानी कि जो 90% कंटेंट है, 80% कंटेंट है, वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाली टर्म्स एंड कंडीशन है। यूट्यूब ने कहा है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो दूसरे के गानों को, सॉन्ग को एडिट कर देते हैं, उसकी जो स्पीड होती है घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा उसमें उसकी जो पिच होती है वो सब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं और उस पर एड्स लगा देते हैं। तो यूट्यूब ने कहा है कि ऐसा अब बिल्कुल भी संभव नहीं है, जो सॉन्ग्स आपके नहीं हैं उसको आप किसी भी तरह अपने चैनल पर आप लगा नहीं पाएंगे और उस पे एड्स नहीं लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको जानकारी बताई है, ये रिपीटिशियस कंटेंट यूट्यूब की जानकारी बताई है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट करके बताना, तो आपको हम रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।